ओके बेटा जी, हम एक्चुअली रियलाइजेशन फेज़ के अंदर आ चुके हैं। हमने ईआरपी के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, तो उसके मुख्तलिफ फेजेस के अंदर से हम गो थ्रू होते हुए हम रियलाइजेशन फेज़ के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे सिस्टम की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है और सिस्टम की टेस्टिंग होती है। ठीक है, और टेस्टिंग के अंदर उसको जब आप उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साइकिल्स गुजारते हैं, फॉर एग्जांपल साइकिल 1 एंड साइकिल 2 होते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन के डेटे के मुताबिक यानी कि फुल वॉल्यूम फुल लोड टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब आप उसकी टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो उस डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उस डेटा के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग को परफॉर्म किया जा सके। जब हम डेटा की बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली डेटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का की एसेट है। हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में, तो उस डेटे की सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। आप लोग देखते हैं सिक्योरिटी के हवाले से आम तौर पे आजकल जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उसमें डेटा माइनिंग है और डेटा साइंस है। उनमें यूज़र्स के मुतल्लिक डेटे को कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर फिर अगेन वर्किंग होती है, उससे उसकी बुनियाद पे बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोगों के डाटा के मुतल्लिक जो है ना वो राय हासिल करना चाहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गूगल से कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी फ़्लाइट का स्केड्यूल सर्च किया और उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, देन आप अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर आएँ और उसको जो है ना वो आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, तो आपको कुछ जो है ना उसमें एड्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ स्पॉन्सर्स एड्स जो है ना वो नज़र आनी शुरू होंगी वहाँ पे। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये आपके डेटे को कलेक्ट किया जा रहा है। तो डेटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस डेटे को एक्सेस करना चाहती हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जहाँ पे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ज़ाहिर है वो एक बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका डेटा उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का हामिल होगा। तो उसके डेटे की सिक्योरिटी जो है ना उसको यकीनी बनाने के लिए कुछ मैनेजमेंट के स्टेप्स करने पड़ते हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से जो मैनेजमेंट होगी उसका फिर मेटिगेशन प्लान बनेगा उसके मुताबिक। तो इस हवाले से डिस्कशन होगी इस चैप्टर के अंदर कि डेटे की सिक्योरिटी को कैसे कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो जब तक हम उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस नहीं करते तब तक हम डेटे की सिक्योरिटी के ऊपर नहीं जा सकते। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद टाइप्स ऑफ ईआरपी सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटी के इश्यूज़ इन 3 डायमेंशंस के अंदर आपको नज़र आते हैं। उसमें पहले नंबर पे है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक इंटरनेट है, इंट्रानेट है, फॉर जो उसका इंटर नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आज से 10-15 साल पहले की बात है मुख्तलिफ इंटरप्राइजेस के अंदर उनका इंटरनल नेटवर्क होता था, वो आपस में डाटा की शेयरिंग और फाइल्स की शेयरिंग और प्रिंटिंग और मेलिंग एट्सेट्रा का निज़ाम एक वजह करते थे। अब वही ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को और अपने सप्लायर्स को और मल्टीपल और जो फैक्टर्स होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हैं थ्रू द नेटवर्क। यानी कि जो इंटरनेट होता था, जो इंटरनेटवर्किंग होती थी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट्स बिकमिंग एन एक्स्ट्रा नेटिंग, सॉरी इंट्रा नेटिंग। ठीक है, तो वो इंट्रा नेटिंग से एक्स्ट्रा नेटिंग की तरफ जा रहे हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ कोलैबोरेट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ जो है ना वो मिल के वर्किंग कर रही है, कोलैबोरेटिव वर्किंग कर रही है। जिस तरह से हम कहते हैं कि मेट्रो है फॉर एग्जांपल, आप वहाँ पे जाके कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो कनेक्टेड है आपके बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, आपके बैंक्स के साथ कनेक्टेड है और आपका अकाउंट वो एक्सेस कर रहे हैं, जैसे ही आप कार्ड को स्वैप करते हैं वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सेस है ये किसके थ्रू आ रही है? नेटवर्क्स के थ्रू आ रही है। तो नेटवर्क की फायरवॉल होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू हम प्रोटेक्शन करते हैं। जो मल्टीपल सप्लायर्स आते हैं, जो मल्टीपल वेंडर्स आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, जो कि कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, या आसान लफ्ज़ों में कहें तो नेटवर्क के थ्रू कंपनी की डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको हम थ्रू अ फायरवॉल, थ्रू अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है ना वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करें,
गो के ये ईआरपी वेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नेटवर्क टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ईआरपी टीम के पास एक मिटिगेशन प्लान होना चाहिए ताकि वो नेटवर्क से रिलेटेड जो है ना वो सिक्योरिटी इश्यूज को मेंटेन करे। ठीक है, आपको पता है नेटवर्क, अगर आप कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आप सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस नेट को इंटरनेट का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, आप इसको थ्रू वेब और एनी अदर सोर्स ब्राउजिंग का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। तो कोई चीज़ जब वो इंटरनेट का पार्ट बनती है तो वो हैकर्स को एक्सेस की एक अपॉर्चुनिटी देती है। हैकर्स जो आपको पता है इलीगल कोड के थ्रू आपके सिस्टम तक एक्सेस हासिल करते हैं, उससे सिक्योरिटी का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। तो ये पहली टाइप है नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि उस स्पेसिफिक नेटवर्क को मेनटेन कर रही होती है, जिसमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स और कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा भी उसका पार्ट होते हैं। तो नेटवर्क टीम उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है और ईआरपी इंप्लीमेंटेशन टीम जो कि उसकी कोर टीम भी कहलाती है, उसके पास इस सिक्योरिटी का, इस रिस्क फैक्टर का मिटिगेशन प्लान होता है। ठीक है, मिटिगेशन प्लान के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी रिस्क को अक्कर होने के बाद उसको कवर अप किस तरह से किया जाए, उसको कहते हैं मिटिगेशन प्लान। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली टाइप है सिक्योरिटी इश्यू की ईआरपी के हवाले से। दूसरी टाइप हमारे पास है सिक्योरिटी एक्सेस, एक्सेस सिक्योरिटी। क्या राइट पर्सन के पास राइट एक्सेस है? आप एक ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल रोल्स होंगे, मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी, उसको मुख्तलिफ लोग उसके अंदर डाटा की फीडिंग कर रहे होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स को इंटर कर रहे होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहे होंगे, कुछ अकाउंट्स को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के पास जो राइट है वो एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, अकॉर्डिंग टू देयर रोल और अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, उनके पास राइट है या राइट नहीं है। हम कहते हैं सिस्टम एक्सेस सिक्योरिटी, रोल एंड ऑथोराइजेशन, राइट पीपल्स हैव राइट रोल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक टीचर जो है वो अटेंडेंस मार्क करता है और एचओडी उस अटेंडेंस को चेंज कर दे या उसको डिलीट कर दे, तो ये हम कहते हैं उनके पास इसका राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एचओडी या फॉर एग्जाम्पल वो किसी फैकल्टी मेंबर के अगेंस्ट है, उसके तमाम मार्क की गई अटेंडेंस को वो डिलीट कर दे, एंड आफ्टर डिलीटिंग वो क्या करे, कह दे कि ये फैकल्टी मेंबर है, अटेंडेंस मार्क नहीं की। ठीक है, तो वो ब्लेम आएगा उसके ऊपर। ये भी नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये डाटा की सिक्योरिटी है। ठीक है, मेरे पास मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, उसको चेंज करने के राइट्स जो है ना वो मेरे पास होने चाहिए। अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे उस वेब मेल का जो सॉरी वेब पेज है उसके ऊपर जाके तो मेरी डिग्रीज उनको डाटा को डिलीट कर दे, कोई हम कहते हैं वल्गर कंटेंट वहाँ पे पोस्ट कर दे, तो देखने वाला ये समझेगा कि मैंने इसको पोस्ट किया। हाउएवर वो मैंने नहीं किया, वो किस वजह से आ रहा है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो रोल जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, रोल से मुराद यहाँ पे डेजिग्नेशंस हैं, वो अफराद हैं जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, वो उनके लीगल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, जिसके पास राइट्स हैं, जिस जो उसका अहल है उसके पास राइट्स होने चाहिए। तो हम कहते हैं सिस्टम एक्सेस सिक्योरिटी, ये दूसरी टाइप है जो कि रोल्स की ऑथोराइजेशन के हवाले से है। ठीक है, दिस इज़ टू इंश्योर द राइट यूज़र हैव राइट एक्सेस टू राइट ट्रांजेक्शन, हैव एक्सेस टू राइट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है ऑथोराइजेशन नीड टू बी क्रिएटेड एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। आप लोगों को पता होगा कि जब हमने बात की थी मॉडलिंग की, तब हम जो है ना राइट्स को डिफाइन करते हैं, जब हम टू बी मॉडल क्रिएट करते हैं किसी सिस्टम का, तो वहाँ पे हम उसके राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन पर्सन क्या काम परफॉर्म कर रहा होगा। हमने रोल्स की चेंजिंग की बात की थी, आप लोगों को याद होगा, तो हमने एक डायग्राम के अंदर स्टडी किया था कि जो रोल्स हैं वो तब्दील होते हैं और फिर उन रोल्स, वो जो पर्सन जो स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस हैं वो ईआरपी के अंदर क्या स्पेसिफिक रोल्स रखते होंगे, क्या स्पेसिफिक काम करते होंगे, तो इसको आगे जाके इन डिटेल देखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑथोराइजेशन, इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। कॉन्फ्लिक्शन से क्या मुराद होता है? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो झगड़ा, या हम कहते हैं दो आपस में टसल्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं,
वो थोड़ा जो राइट्स के हवाले से उनका वो कहाँ पे आ सकती है, पॉसिबिलिटी प्रॉबेबली कहाँ पे आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करता हूँ, रिजल्ट रिजल्ट फीड करने के बाद मैं अपनी तरफ से उसको सबमिट कर देता हूँ, लेकिन डीन साहब उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद किसी स्पेसिफिक पर्सन के मार्क्स जो है इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आता है इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। हर पर्सन हर रोल सिर्फ उस चीज़ तक एक्सेस दे जिसकी लीगल उसके पास परमिशन है, ठीक है। तो डीन साहब के पास कोई लीगल परमिशन नहीं है कि वो मेरा सबमिट किया हुआ रिजल्ट चेंज करें, ठीक है। सिमिलरली एक डीन है, फॉर एग्जांपल डीन एफ एस है, वो एक एक्टिविटी या एक मीटिंग जनरेट करते हैं उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, और कोई दूसरी फैकल्टी के डीन है वो आके उसको डिलीट कर देते हैं या उसको मॉडिफाई कर देते हैं और चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है दिस इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है। सिस्टम के अंदर राइट पीपल राइट जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे, दैट्स वाई सिस्टम अपनी रिक्वायर्ड जो ना इंटेंडेड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, इंटेंडेड वर्किंग नहीं कर रहा। दिस इज एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट। तो हम कहते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है उस तरह के राइट्स जो हैं वो सिस्टम से ख़त्म करने चाहिए। एक डीन के जो हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन के अंदर दूसरा डीन इंटरफेयर ना कर सकता हो। सिमिलरली एक डीन के पास जो राइट्स हैं और टीचर के राइट्स हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। अगर टीचर अटेंडेंस मार्क कर सकता है तो एचओडी या डीन उसको चेंज ना कर सकता हो। सिमिलरली अगर टीचर वो मार्क्स एंटर करता है, डीन रेक्टर तक इवन उसके किसी के पास अथॉरिटी ना हो कि उसको चेंज कर सकता हो, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली अथोराइजेशन ऑफ रोल्स। इसको आगे जाके नेक्स्ट टू स्लाइड्स के अंदर हम दोबारा डिटेल में देखते हैं। देन हमारे पास आता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी से क्या मुराद है, वो डाटा जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का डाटा है, लेकिन ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान वह मुख्तलिफ लोगों तक पहुंच रहा है। मुख्तलिफ लोग उसको, चाहे वो वेंडर्स हैं, चाहे वो टेस्टर्स हैं, चाहे वो आपके कंसल्टेंट्स हैं, वो उस डाटे को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वो डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक डाटा है। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट डिटेल्स हो सकती हैं, वो पर्सनल डिटेल हो सकती हैं, लोगों की जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डिटेल हो सकती हैं। तो इस तरह का डाटा जो है वो लीक आउट होता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, डाटा सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं हम, एक ये ट्रेंड है कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ऑफिसेज हैं, मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस के अंदर उसके यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर है, तो ज़ाहिर है जब आप उसकी फुल लोड टेस्टिंग करेंगे तो वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर उसको टेस्ट किया जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कंपनी हायर करते हैं, टेस्टर्स हायर करते हैं, वो के मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर होते हैं, डिफरेंट ऑफशोर लोकेशंस हम कह सकते हैं, ऑफशोर लोकेशंस के ऊपर होते हैं। वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम के डेटा को गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। नो डाउट के इसके लिए हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो आपके डेटा को, जिस तरह कंसल्टेंट कंपनी होती है जिसने टेस्टिंग परफॉर्म करवानी है, एक्सटर्नल ऑडिट्स परफॉर्म करवाने, गो के ये लिखा जाता है ज़रूर के जी डेटा को डिस्क्लोज नहीं करेंगे या किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके डाटे को फॉर द टाइम बीइंग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो 4-6 महीने बाद या साल बाद उसी डाटे को किसी जगह पे इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंट डिटेल्स देते हैं, अकाउंट डिटेल अब देखें किसी जगह पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ऑनलाइन बैंक अकाउंट का आप चेक करते हैं, तो आपको 3-4 दिन बाद ना अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो आपको जो है ना वो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की तरफ से जो ना कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, जी आप इन्वेस्ट करें, आप यहाँ पे जो है ना वो अपना पैसा डाल सकते हैं एट्सेट्रा, या आपको जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको असेस करने शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये कहाँ से डेटा ले रहे होते हैं, ये आपके अकाउंट डिटेल्स ले रहे होते हैं। अकाउंट डिटेल कहाँ से ले रहे होते हैं, इन लीगल सोर्सेज से, ठीक है। इन लीगल सोर्सेज से आपकी अकाउंट डिटेल्स गेट की जा रही होती हैं, तो ये डेटा आपका उनके पास जा रहा होता है। डेटा जो है वो जाहिर है लीक आउट होता है, किस तरह से होता है, जब आप उसकी जब आप ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन की
की तरफ जा रहे होते हैं और आप उसकी फुल लोड टेस्टिंग करते हैं, तो हमने उस डेटे को भी सिक्योर करना है, हमने उस डेटे को हाइड करना है फ्रॉम अनइंटेंशनल यूज़र्स। ठीक है, तो उसके लिए फिर आगे हम जाके स्लाइड नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम उस डेटा की सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा सा रीड करते हैं और आगे मूव करते हैं। डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्टन इंडस्ट्रीज लाइक क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बैंक्स, डिफेंस एसेट्रा। इन लोगों के लिए डाटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डूइंग अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम लो कॉस्ट कंट्रीज इज़ रिसेंट ट्रेंड। मतलब ये कि टेस्टिंग वगैरह आप उसको ऑफशोर कंपनी से लो कॉस्ट कंपनीज वगैरह कंट्रीज़ में जो बैठे हुए हैं, कम कीमत में वो आपकी टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन की दूसरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर देते हैं, आप वहाँ से लोगों से काम करवाना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी डाटा की सिक्योरिटी जो है ना वो ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका डाटा जो है वो अनऑथराइज्ड यूज़र्स के पास चला जाएगा। ठीक है, आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कोर टीम्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। वो के कोर टीम अवेलेबल भी हो, देन भी वो उसको 24/7 किसी एक पर्सन के साथ बैठ के उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ। अब हम इन दोनों जो है ना वो टॉपिक्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला जो टॉपिक है जो नेटवर्क सिक्योरिटी पहली टाइप है, ये नेटवर्क टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली जो दो चीज़ें हैं, सिस्टम एक्सेस सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी, ये दोनों ERP की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ERP कोर्स के अंदर हम इन दोनों को, जी बेटा सर, ये जो डेटा सिक्योरिटी के अंदर हमारा डेटा लीक होता है, जी जी आपने ये कहा ना कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ERP को, तो जब हम फुल लोड टेस्टिंग करते हैं तब हमारा डेटा लीक होता है। तो फुल लोड टेस्टिंग तो सर वर्चुअल यूजर्स को भी करके की जा सकती है, उसके अंदर दूसरे यूजर्स तो नहीं होते कि टेस्टेड है, वो स्टीम लेवल टेस्टिंग होती है कि यूजर्स आपके कितने उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डेटा उसके अंदर फीड करना है, डेटा होगा तो फीड करेंगे ना। ठीक है, फुल वॉल्यूम टेस्ट जिसको कहते हैं, डाटा के साथ उसको चेक करेंगे, डाटा के साथ टेस्ट करना है। अब देखिए, आपने अपने जो 2B मॉडल है उसका ऑडिट करवाना है ताकि वो एक सक्सेसफुल 2B मॉडल बने, वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो हैं वो इश्यूज लीक हो सकते हैं। फिर आप उसकी जो गो लाइव से पहले आप उसका ऑडिट करवाते हैं, गो लाइव ऑडिट करवाते हैं, आप उसकी जो ना वो सिस्टम टेस्टिंग जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है उसमें वॉल्यूम टेस्टिंग करवाते हैं, इस तरह के मल्टीपल फीचर्स में डाटा जो है वो लीक आउट होता है। क्लियर है बेटा, लीक आउट नहीं होता, लीक आउट होने के चांसेस होते हैं इस तरह। जी सर। ओके बेटा जी, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि ERP के हवाले से हमारी ज़रूरत हैं, जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले नंबर पे सिस्टम एक्सेस सिक्योरिटी जो है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ऑथोराइजेशन। ठीक है, ऑथोराइजेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से लोगों को अथॉरिटी देते हैं, एक है एक्टिविटी बेस्ड और दूसरा है रोल बेस्ड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जब हमने प्रोसेस मॉडल की हायरार्की को पढ़ा था, तो उसमें आप देखते हैं प्रोसेस मॉडल जो होता है उस मॉडल के अंदर एक मतलब जनरल सिनेरियो होता है, सिनेरियो के अंदर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और एक्टिविटीज़ के अंदर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक हम कहते हैं व्यू है जिसके अंदर हम पूरे प्रोसेस को देख रहे होते हैं। एक व्यू के अंदर हम आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक ये मेथड है कि आप उस एक्टिविटी को कैप्चर करें और एक्टिविटी के रोल्स मुख्तलिफ रोल्स को एक्टिविटी एलोकेट कर दें, ये मेथड है। दूसरा इसके वाइस वर्सा है, उल्ट है, कि आप रोल्स पकड़ें और एक्टिविटी के मुख्तलिफ स्टेप्स उनको एलोकेट कर दें। रोल्स से हमारा डेजिग्नेशन है, अभी आगे जाके हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये दो तरह से ऑथराइजेशन होती है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान आते हैं, इनको देखते हैं बारी बारी हम। तो डेफिनेटली ये जो आप करने वाले हैं, यानी कि सिक्योरिटी जो है एक्सेस के हवाले से उसको ऑथराइज़ कर रहे हैं ताकि अनऑथराइज यूज़र्स उसको एक्सेस ना करें, जब आप अपना 2B मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सा यूज़र सिस्टम के अंदर क्या क्या राइट्स रखता होगा, क्या क्या अथॉरिटीज़ रखता होगा। तो एक सक्सेसफुल जो 2B मॉडल ये होता है कि राइट यूज़र हैव
राइट एक्सेस, राइट यूजर हैव राइट ऑथराइजेशन, ठीक है, वो इलीगल ऑथराइजेशंस ना रखता हो। और ये हम डिफाइन करते हैं अपने टू बी प्रोसेस के अंदर कि कौन कौन सा यूज़र क्या क्या राइट्स रखता होगा, ठीक है। रोल्स से मुराद होता है हु विल डिफाइन, हु विल रन दोज प्रोसेस इन द फ्यूचर, उन प्रोसेस को कौन चीज़ें कौन पर्सन परफॉर्म करेगा। और एक्टिविटीज़ के बारे में आप जानते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स होती हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज़ मिलके एक प्रोसेस क्रिएट करती हैं। तो दो तरह की एक्टिविटीज़ आपके पास, दो तरह के आपके पास जो है ना वो अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच ये है कि आप एक्टिविटी बेस्ड ऑथोराइजेशन करें, ठीक है, यानी कि आप क्या करें, ऑथोराइजेशन ऑफ यूजर्स टू ईआरपी सिस्टम इज़ डिटरमिन्ड बाय लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। आप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जनरेट करते हैं, इस स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। पहला इसके अंदर जो स्टेप आता है, आप करते हैं आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ दैट आर पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व। एक प्रोसेस है उसके अंदर हम सपोज करते हैं पांच एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है उसके अंदर पांच एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल स्पिनिंग एक प्रोसेस है, स्पिनिंग एक प्रोसेस है। स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं सबसे पहले नंबर पे कॉटन ली जाती है, ठीक है, और उसका चेक इन होता है। चेक इन होने के बाद उसको जो है ना वो हम लेके जाते हैं रोविंग के अंदर। रोविंग क्या होती है, कॉटन को जो एक बेल होती है, जो हम कहते हैं गट्ठा होता है, उससे उसके रोव्स बनाए जाते हैं, उसके हम कहते हैं एक उसको रस्सी की शक्ल दी जाती है रोविंग मशीन से। फिर रोवर से उसको हम धागे की शेप देते हैं, रोविंग से आगे उसकी स्पिनिंग शुरू होती है, ठीक है। तो स्पिनिंग के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग से मुराद उसके हम जो है ना ट्विस्ट पर काउंट वगैरह टेस्ट किए जाते हैं। फिर तो उसके बाद उसकी वाउंडिंग होती है, वाउंड करने के बाद उसको लपेट दिया जाता है, वाउंड करने के बाद उसकी शिपिंग होती है, या यानी कि आपने उसको डिस्पैच करना होता है, डिस्पैचिंग होती है। अब ये हमारे पास जो स्पिनिंग है उसके अंदर पांच एक्टिविटीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल छह एक्टिविटीज़ हैं जो हमने लिखी हैं, अभी छह एक्टिविटीज़ जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चेकिंग कर रहे हैं आप, यानी कि आप उसको चेक इन कर रहे हैं, फिर आप उसकी रोविंग कर रहे हैं, रोविंग के बाद उसकी स्पिनिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद उसकी वाउंडिंग करेंगे कोन्स के ऊपर, और देन आप उसको डिस्पैच करेंगे। एक प्रोसेस है उसके अंदर छह एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड जो लाइन लिखी हुई है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ दैट आर पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो लिख लें आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, प्रिपेयर अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन कोड फॉर ईच आइडेंटिफाइड एक्टिविटी। जो आपने अभी छह एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की हैं आप उनको एक नंबर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है 1001 कोड है कॉटन की चेक इन का, जो रॉ कॉटन आपके पास आई है उसकी चेक इन की जो है ना हमने एक्टिविटी को एक कोड अलॉट किया है 1001। उसके बाद रोविंग जो है वो 1002 है, स्पिनिंग 1003 है, टेस्टिंग 1004 है, वॉन्डिंग 1005 है, और डिस्पैचिंग 1006 है। ये हमारे पास, हमने हर एक को एक ट्रांजेक्शन कोड लगा दिया, ठीक है, हर एक्टिविटी को एक कोड एलोकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्रिपेयर एन ऑथोराइजेशन रोल फॉर ई सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। हमने ये जो ट्रांजेक्शन के सेट बनाए हैं इनके अगेंस्ट रोल आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, रोल्स आपने आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से रोल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हेल्पर्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, ठीक है। और हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने क्योंकि इस प्रोसेस को सुपरवाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे 1001, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। सुपरवाइजर सभी को देखेगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक आता है हेल्पर, हेल्पर है लेकिन वो रोविंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है। हेल्पर है, रोल हमारे पास है हेल्पर, हेल्पर खड़ा होता है रोविंग मशीन के ऊपर, साथ में एक ऑपरेटर है। इनको दोनों को 1001 एक्टिविटी और 1002 एक्टिविटी एलोकेट होगी। 1002 एक्टिविटी क्या है, एक्चुअली ड्रॉविंग है, तो वहाँ पे दो पर्सन खड़े हैं, हेल्पर एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो उन दोनों रोल्स को जो ट्रांजैक्शन कोड मिला है 1001 है, यानी कि उन्होंने वो स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो स्पिनिंग है, वहाँ पे ऑपरेटर्स होंगे, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, वहाँ पे हेल्पर्स होंगे, उनको वो कोड एलोकेट है, उनके रेलेवेंट डाटा। इसी तरह से ये एक सिनेरियो है, इसी तरह का सिनेरियो ईआरपी के अंदर होगा।
उसकी एग्जांपल जो है वो बुक के अंदर जो दी गई है वो ये है कि आपकी लीव जो है ना, उस लीव जो आप एप्लीकेशन देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी अप्रूवल का प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके अंदर रोल्स हैं, जो वन हम कहते हैं डबल एक्स या एक्स एक्स रोल है, वो ये है कि आपने लीव सबमिट करनी है। लीव सबमिट करने के लिए आप जो रोल है ईआरपी के अंदर वो एक्स एक्स है, और जो लीव की जो है ना फॉरवर्डिंग और रिकमेंडेशन है वो वाई वाई रोल है, और लीव की अप्रूवल जो है वो एक अथॉरिटी होगी कॉम्पिटेंट, जो कि जो लीगल राइट्स रखती होगी लीव को अप्रूव करने के, वो जेड जेड है। तो हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट मतलब एक प्रोसेस है लीव का, उसके अंदर तीन एक्टिविटीज हैं। लीव सबमिट करना, फॉर एग्जाम्पल मैं लीव लेना चाहता हूँ, मैं लीव सबमिट करूँगा, उसके बाद वो लीव चले जाएगी चेयरमैन के पास, चेयरमैन उसको रिकमेंड करेगा, अप्रूव नहीं करेगा और रिकमेंड करेगा और फॉरवर्ड कर देगा रेक्टर को, रेक्टर उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये तीन रोल्स हैं, हमने एक एक्टिविटी बनाई, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस लिया उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, हर एक्टिविटी को एक नंबर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स एक्टिविटी है लीव सबमिट करना, वाई वाई एक्टिविटी है लीव को रिकमेंड करना या रिजेक्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर जेड जेड एक्टिविटी है वो रेक्टर के पास उसका राइट है। तो एक्टिविटी के अंदर जो एक प्रोसेस के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हैं हमने एक नंबर लगाया, और उन रोल्स को वो एक्टिविटी एलोकेट करती, उन रोल्स को हमने वो एक्टिविटी एलोकेट। तो ओवरऑल एक देखा जाए तो एक प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं वो मल्टीपल रोल्स के ऊपर डिवाइड होंगी, ठीक है, ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन उस एक्टिविटी का पार्ट ना बन सके, ठीक है, ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन उस एक्टिविटी का पार्ट ना बन सके, ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं, एक प्रोसेस लिया जाता है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, हर एक्टिविटी को एक नंबर दिया जाता है, और जो पर्सन्स होते हैं जो रोल्स होते हैं उनको वह एक्टिविटीज़ एलोकेट कर दी जाती हैं। तो ये एक हम कहते हैं प्रोसेस मॉडल व्यू है किसी भी सेटअप के अंदर, कि आप ऑथोराइज यूज़र को डाटा तक एक्सेस दें, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के ज़ाहिर फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है इन असाइनिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन सेट, ठीक है। आप ट्रांजेक्शन सेट्स जो है ना अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जिस तरह से एक पर्सन है वो फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र है, वो उसके पास जो है ना 1001, 1002 से लेकर 1006 तक तमाम रोल्स हैं, ठीक है, वो तमाम एक्टिविटीज़ को देख सकता है। अब हमारे पास जो ड्रॉइंग मशीन के ऊपर पर्सन है उसके पास 1002 कोड है, वो 1003 के अंदर जो है ना वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक टेस्टिंग टेस्टर है जो टेस्टिंग करता है वो इन पहले तीन स्टेप्स को देख सकता है, ठीक है। तो हम उसको एक्सेस दे देंगे, एक ही एक्टिविटी जो है, एक ही एक्टिविटी के जो सेट्स हैं वो मल्टीपल रोल्स को एलोकेट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ट्रांजैक्शन कोड क्रिएट करने के लिए आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप किसी भी प्रोसेस की डिटेल को नहीं देखते तब तक आप उसके ट्रांजैक्शन कोड्स क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप रैंडमली कह देते हैं कि जी ज़ाहिर है डीन एक बड़ा होता है और टीचर जो है जो लेक्चरर है या प्रोफेसर है वो एक छोटे ओहदे पे है, तो अगर ये एडिट कर सकता है रिजल्ट को तो फिर डीन भी कर सकता होना चाहिए क्योंकि हायर डेजिग्नेशन के ऊपर है। लेकिन दिस इज़ अगेंस्ट द रूल। जब तक इस प्रोसेस के रूल्स को और स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप उसके कोड्स जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोड्स जनरेट की एलोकेशन जो है ये एक इसके अंदर जो हम कहते हैं एक कम्प्लेक्स मेथड जो है ना वो मरहला है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। दूसरा जो मेथड हमारे पास ये एक्टिविटी बेस्ड है, उसमें रोल बेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, रोल्स जो होते हैं पहले हम क्या करते हैं डिफरेंट रोल्स क्रिएट कर लेते हैं, कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार या एचआर ऑफिस है, उसके अंदर जो मल्टीपल रोल्स हैं ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक्टिविटी ली और उसके सारे रोल, एक्टिविटी के अंदर तमाम स्टेप्स वगैरह लिखे, एक प्रोसेस लिया उसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ के अंदर तमाम स्टेप्स को लिख लिया। अब हम ये करते हैं कि रोल्स ले लेते हैं, हम देखते हैं हमारे पास पर्सन कितने हैं, उनके मुताबिक एक्टिविटी उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि लेट्स सपोज क्यूईसी है, उसके अंदर जो हम कहते हैं पांच इम्प्लॉयज़ हैं, उनके डेजिग्नेशन उनके रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट जो रोल है हम कहते हैं डीन क्यूईसी है, दूसरे नंबर पे डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी
डिप्टी डायरेक्टर क्यूसी है, तीसरे नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूसी है, चौथे नंबर पे डाटा एनालिस्ट है, पांचवें नंबर पे हम कहते हैं उसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट है, और छठे नंबर पे उसके अंदर हम कहते हैं ऑफिस बॉय है। तो ये छह रोल्स हैं। अब हम वो जो एक्टिविटी के हमने कोड्स बनाए थे इनके ऊपर डिवाइड कर देंगे, इनको एलोकेट कर देंगे, और हम देखेंगे कि इन छह रोल से वो जो वाली छह एक्टिविटीज़ हैं जो हम पहले लिख चुके हैं वो किस तरह से फुलफिल हो रही हैं। तो ये हमारे पास है रोल बेस्ड, ठीक है। इससे भी आपको पता चलेगा कि किस रोल की क्या डोमेन है, किस रोल की क्या कानूनी बाउंड्रीज हैं, लीगल बाउंड्रीज हैं, ज्यूरिसडिक्शंस क्या क्या हैं किसी रोल की। तो इससे क्या होता है, आप एक उसी वाले प्रोसेस को एक दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, आपके पास उसका सेकंड व्यू हम कह सकते हैं, सेकंड व्यू आपके पास जनरेट होता है जिससे आप उसी एक्टिविटी को दोबारा से व्यू कर सकते हैं रोल एलोकेशन के हवाले से। तो इसको देखते हैं जी। रोल बेस्ड एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन कोड दैट ईच रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर। ट्रांजेक्शन कोड्स देते हैं और उनके अगेंस्ट रोल देखते हैं। प्रिपेयर एन ऑथोराइजेशन रोल फॉर द लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड, ठीक है। आप देखते हैं कि ये स्पेसिफिक जो एक्टिविटी है इसके अगेंस्ट कौन कौन से रोल रिक्वायर्ड होते हैं, उन रोल्स को वो वाली ट्रांजेक्शन कोड्स एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। एनी फ्यूचर मॉडिफिकेशन इन ऑथोराइजेशन रिक्वायरमेंट कैन बी मैनेज वेरी इजीली। ये इसका फ़ायदा है कि आप उसके अंदर रोल्स के ऑथोराइजेशन जो है ना वो बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को जो है ना वो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है ना वो ड्यूटी एक्टिविटी है, हम किसी पर्सन को एलोकेट करना चाहते हैं। हम उस पर्सन के रोल्स के अंदर जाएंगे, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिविटीज़ की लिस्ट है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हम कहते हैं 1071 के ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन स्पेसिफिक पर्सन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एबीसी, डॉक्टर एबीसी हैं कोई, एबीसी की प्रोफाइल ओपन करेंगे, उसके अंदर उनके अगेंस्ट जो जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं ना उनमें एक और एक्टिविटी कोड ऐड कर देंगे 1071। यानी कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर एबीसी जो है ना ऑलरेडी वो क्लासेस पढ़ा रहे हैं, वो कन्वीनर हैं एक सोसाइटी के, वो साथ में जो ना वो हम कहते हैं कैफेटेरिया को देख रहे हैं। तो हमने उनकी जो एक्टिविटीज़ की जो कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेट ऑफ एक्टिविटी, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन कोड्स हैं, उनमें एक और कोड ऐड कर देना है 1071। अब वो इस एक्टिविटी को भी देख सकते हैं। तो हम पर्सन वाइज एक्टिविटीज़ को देखते हैं, हम जो ना वो एक पर्सन लेते हैं, उसका पोर्टफोलियो ओपन करते हैं और उसमें एक्टिविटी कोड डालते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डेटा एनालिस्ट है, इसकी प्रोफाइल हमने ओपन की और इसके ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर सबसे पहले जो ना वो रोल डाला क्लास एक्टिविटी चेक, ये क्लास की एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर एक और रोल डाला, ये क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट की इवेल्यूएशन परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर हमने एक और रोल डाला, ये इवेल्यूएशन के रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमने एक और रोल डाला कि ये एचईसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये इनके रोल्स हैं। हम एक पर्सन को यानी कि एक रोल को ओपन करते हैं और जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं उस पोर्टल के अंदर, उसके उस पोर्टफोलियो के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बड़ी आसानी से, आप चाहते हैं किसी पर्सन से कोई जिम्मेदारी वापस लेनी है, उसका पोर्टफोलियो ओपन करके वो एक्टिविटी उसमें से रेज कर दें, आप उसकी कोई जिम्मेदारियों को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी एक पर्सन है उससे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेके तो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट उसको दे दिया जाए, आप उसका रोल ओपन करते हैं, ट्रांसपोर्ट उसमें से रेज कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट का कोड लेट्स सपोज हमने अभी बात की 1071 है, उसको रेज करके 2071 जो स्पोर्ट्स का कोड है उसके अंदर डाल देंगे हम। तो ये एक मेथड है कि आप रोल बेस्ड उसको देख सकते हैं, रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन कर सकते हैं, जबकि पहले में हमने एक्टिविटी बेस्ड की थी, ठीक है। तो कोड डेफिनेटली ट्रांजेक्शन कोड दोनों में सेम तरीके से एलोकेट होगा, ठीक है। इसमें हम उसको एक्टिविटी के फ्लो में लेके चलते हैं और इसमें हम उसको यूज़र के फ्लो में लेके चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी ये रोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, नॉट द पर्सन, ठीक है। आप कहते हैं कि जी जो रजिस्ट्रार है, फॉर एग्जांपल अभी वो सलमान साहब हैं, वो फ्यूचर में कोई और होगा, पास्ट में यहाँ पे और बी सी रह चुके हैं, तो ये पर्सन का पोर्टफोलियो नहीं होता, ये एक रोल का पोर्टफोलियो है कि एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है। और जब आप अपने सिस्टम से लॉग इन करता है, फॉर एग्जांपल वो रजिस्ट्रार है, वो बींग रजिस्ट्रार जब लॉग इन करेगा तो उसके सामने वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो उसके बाउंड्री के अंदर अंदर आती हैं। अगर वो उस बाउंड्री के अंदर नहीं उसको परफॉर्म कर सकता, देन वो हम
उसको नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेंज करना चाहते हैं, कोई और उसको एक्टिविटी एलोकेट करना चाहते हैं या एक्टिविटी रिमूव करना चाहते हैं, तो हम एडमिन के थ्रू उसको मजीद जो ना वो चेंजेस उसके पोर्टफोलियो के अंदर करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि वो रजिस्ट्रार है लेकिन वो डीन्स के मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करता हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि डिपेंड अपॉन रोल नॉट पर्सन। पर्सन चेंज हो सकता है, आम तौर पे डेजिग्नेशंस चेंज नहीं होते। डीन क्यूसी है, हमने अभी बात की डीन क्यूसी, फॉर एग्जांपल अभी जाहिर साहब हैं, कोई और होगा कल को, कोई और होगा, देन फ्यूचर में मे बी वहाँ पे हंड्रेड चेंजेस आए उसके ऊपर। सिमिलरली डेजिग्नेशन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, तो ये रोल वेरिएट करते हैं, ये रोल वेरिएट करते हैं, सॉरी रोल्स वेरिएट नहीं करते, पर्सन वेरिएट करते हैं, ठीक है। आज असिस्टेंट डायरेक्टर कोई और है, कल को कोई और होगा। तो हम कहते हैं कि जो रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन है ये पर्सन के ऊपर नहीं होती, ये स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के ऊपर होती है। केयरफुल ऑथोराइजेशन ऑफ रोल इज रिक्वायर्ड एज ईच रोल परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इन ईआरपी सिस्टम। अब बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी रह जाती हैं जिनको कोई रोल एलोकेट नहीं होता, और बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जिनको उनकी डोमेन से हट के एक्टिविटीज एलोकेट हो जाती हैं। तो ये एक केयरफुल इन डीप सिस्टम की स्टडी, सिस्टम के स्टैंडर्ड, सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और लीगल ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम जो है ना ये रोल्स को एलोकेट करते हैं। ये दो तरह की हमारे पास रोल्स की जो ना ऑथोराइजेशन है, एक्टिविटी बेस्ड रोल्स और रोल बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड ऑथोराइजेशन और रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन। आज के दिन में ख्याल इतना काफ़ी है, ये नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक लेंथी है, इसको कल की क्लास में करेंगे। आप लोगों से ये जो है ना पहली 5 स्लाइड्स तक, 4 हैं एक्चुअली, ये इनके बारे में कल क्वेश्चनिंग होगी, आप लोग इनका आंसर करेंगे तो आगे हम मूव करेंगे।